चाणक्य समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जिसकी घोषणा हाल ही में की गई है। इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 1 अप्रैल को इसकी घोषणा की है और इस बार का ये पुरस्कार साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दिया गया है। ये पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया है, एक जूरी ने इनका सिलेक्शन किया है और इस जूरी में यानी कि आशा भोसले, मोहनलाल जो कि एक एक्टर है, विश्वजीत चटर्जी, शंकर महादेवन और सुभाष घई जैसे कलाकार इसमें शामिल थे। तो अब हम देखेंगे कि ये अवार्ड जो है 51वां अवार्ड, इसकी विशेषताएँ क्या है और किस तरीके से इसको दिया गया है इत्यादि। रजनीकांत को जो ये अवार्ड मिला है ये 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है और ये अवार्ड इनको 3 मई 2021 को प्रदान किया जाएगा। इनको ये अवार्ड सिनेमा में इनके शानदार योगदान के लिए दिया जाता है। जिस किसी व्यक्ति विशेष को ये अवार्ड दिया जाता है, उन्होंने अपना पूरा जीवन फिल्म इंडस्ट्री को दिया होता है और उसमें विशेष कार्य किए होते हैं जिनको ये दिया जाता है। इस अवार्ड की उद्घोषणा के बाद भारतीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्विटर पे इनको ये शुभकामनाएं इस अवार्ड के लिए दी हैं। अब हम बात करेंगे रजनीकांत के बारे में कि इनका जीवन कैसा रहा है अभी तक का। इनका जो जन्म है बहुत गरीब परिवार में हुआ। इनका जन्म 12 दिसंबर 1950 में हुआ, बेंगलोर में एक मराठी परिवार में हुआ। इन्होंने शुरुआत से ही बहुत संघर्ष किया। इन्होंने बस कंडक्टर से अपने करियर की शुरुआत की थी और 25 साल की उम्र में इन्होंने अभिनय करना शुरू किया था। रजनीकांत 12वें ऐसे दक्षिण भारतीय अभिनेता या अभिनेत्री हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले डॉक्टर राजकुमार, अक्कीनेनी नागेश्वरम राव, के बालाचंद्रन जैसे लोगों को भी ये पुरस्कार दिया जा चुका है। इन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में तो काम किया ही है, इसके साथ ही साथ रजनीकांत ने बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया है। दक्षिणी सिनेमा का तो इनको थलाइवा भी कहा जाता है, अर्थात भगवान भी समझा जाता है। इनके मंदिर भी वहाँ के लोगों ने बनाए हैं। इस तरीके से रजनीकांत का विशेष योगदान है फिल्म उद्योग के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार पे कि ये पुरस्कार कब, कैसे, क्यों शुरू किया गया इत्यादि चीज़ों पे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार हर साल दिया जाता है, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी ऐसे व्यक्ति विशेष को दिया जाता है जिसने अपना जीवन फिल्म उद्योग में फिल्म जगत के लिए समर्पित किया है और सफल उनका जीवन भी रहा है। इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी पर वर्ष 1969 में किया गया था और इसकी जो पृष्ठभूमि है वो कुछ इस प्रकार है कि 1969 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन हुआ था। उसी आयोजन में इस पुरस्कार की भी घोषणा हुई। सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था और तब से अब तक ये पुरस्कार 50 हस्तियों को दिया जा चुका है। 51वीं हस्ती रजनीकांत है जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार के अंदर जो सम्मान दिया जाता है वर्तमान में, उसमें 10 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है, उसके साथ एक स्वर्ण कमल दिया जाता है। दादा साहब फाल्के ऐसी कौन सी विशेष व्यक्तित्व या क्या इनकी उपलब्धियां हैं जिनके नाम पे भारत सरकार ने ये अवार्ड शुरू किया था। तो चलिए अब हम देख लेते हैं दादा साहब फाल्के के बारे में। इनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को त्र्यंबकेश्वर में हुआ था और इनको फिल्म उद्योग का पिता माह कहा जाता है। दादा साहब फाल्के ने देश की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाई थी, राजा हरिश्चंद्र। इस फिल्म को प्रारंभ में समीक्षकों ने नकार दिया था, लेकिन दर्शकों से इस फिल्म को अपार प्रेम मिला था। इसके बाद में ये फिल्म जगत में एक बहुत बड़े नाम के रूप में जाने जाने लगे। इन्होंने इसके बाद बहुत सारी फिल्मों का निर्माण किया और इनके फिल्मों के तरफ झुकाव को देखते हुए इंग्लैंड से भी इनके पास बहुत सारे ऑफर आए जिनको इन्होंने ठुकरा दिया। राजा हरिश्चंद्र फिल्म में राजा हरिश्चंद्र की भूमिका भी दादा साहब फाल्के ने निभाई थी। इनकी इस पहली फुल लेंथ फिल्म की विशेषता ये भी थी कि उस समय महिला किरदार भी इस फिल्म में पुरुषों द्वारा ही निभाए गए थे। इन्होंने अपने करियर में बहुत सारी फिल्में इन्होंने बनाई हैं और इनके द्वारा ही फुल लेंथ फीचर फिल्म का जो है काम फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हुआ। उससे पहले शॉर्ट फिल्में बनती थी। अपने करियर में इन्होंने 125 फिल्में बनाई हैं
जिनमें दोनों तरह की ही फिल्में शामिल है। इसके साथ ही हमने इस विषय पर सारी बातचीत कर ली है। अब हम देखेंगे आज के प्रश्न को। आज का हमारा प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? विकल्प ए 1960 में, विकल्प बी 1965 में, विकल्प सी 1969 में, विकल्प डी 1975 में। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अब हम देख लेते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न को। पिछले वीडियो का प्रश्न सिंधु जल संधि से संबंधित था और आपको बताना था कि इसमें से असत्य कथन कौन सा है। असत्य कथन है केवल बी, यानी कि ये कथन असत्य है। चेनाब और झेलम का पानी भारत के हिस्से में नहीं रखा गया था, चेनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान के हिस्से में रखा गया था। नदियों को सिंधु जल संधि के आधार पर पूर्वी और पश्चिमी नदियों में बांटा गया था। पश्चिमी नदियों के अंदर जो तीन नदियां थी, सिंधु, झेलम और चेनाब, इनको पाकिस्तान को दिया गया था इसका पानी, और रावी, व्यास और सतलज का पानी भारत के हिस्से में आया था। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। हमारे इस वीडियो और अन्य वीडियो से संबंधित PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर सारे PDF उपलब्ध हैं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।